कुछ ऐसे काम चल रहा है यहाँ पर, देखो दो दो लॉन्चर वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है, देखो सारे में यही काम चल रहा है। और इस साइड में देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को मेरठ बाईपास यानी कि मोदीपुरम RRTS का स्टेशन दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो आप बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही अपडेट्स देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों अभी हूँ मैं मेरठ बाईपास, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ये बनाया जा रहा है मेरठ मोदीपुरम RRTS का स्टेशन, जिस पर कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। कौन कोच लेवल देखो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है, तो देखो किस तरीके से बनाया जा रहा है आप सभी देख सकते हैं। लेवल तो बनके बिल्कुल कंप्लीट था ही हो चुका है दोस्तों। तो ये काम चल रहा है, देखो प्लेटफॉर्म लेवल पे अभी गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, इसको जोड़ने का काम किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है। तो अभी टाइम लगेगा। और बायोडक्ट की बात करें दोस्तों, बायोडक्ट जुड़ गया है, इसमें पैराफिट वॉल लगा दिए हैं साइडों से। यह है पल्लवपुरम मेट्रो स्टेशन RRTS का स्टेशन। तो यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा ये बढ़ाया गया है, जिस पर कि सेटरिंग लगी हुई है, ये देख सकते हो आप लोग कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के। अब चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को। देखो एक लॉन्चर ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ्लाईओवर स्टार्ट होते ही, यानी कि ये RRTS के स्टेशन को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वैसे ही आप सभी को यहाँ पर ये लॉन्चर लेगा देखने के लिए, जो कि जॉइंट कर रहा है दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को। और सारे इस लॉन्चर ने सारे सेगमेंट उठा रखे हैं दोस्तों, ये देख सकते हो सारे सेगमेंट उठा रखे हैं, इनको एक साथ चिपकाया जाएगा। देखो आप लोग क्या है नज़ारा यहाँ का, देखो ये बस एक पिलर बचा हुआ है जॉइंट होने के लिए। उधर देख सकते हो, इधर भी देख लो आप सभी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा लॉन्चर चौथा लॉन्चर वो रहा। अब देखो ये लॉन्चर ना इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसका ब्लू वाले का। अब ब्लू लॉन्चर ये उतार लिया जाएगा, अब यहाँ से इस लॉन्चर को उतारा जाएगा। देखो पैराफिट वॉल भी लगा दिए जा चुके हैं, इस लॉन्चर को अब उतारने का काम किया जा रहा है। और यहाँ से देखो राइट हैंड से अब लेफ्ट हैंड पर आ जाएगी, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर रही है आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखो ये वाला लॉन्चर देखो सेगमेंट को उठा रहा है, जैसे पीछे उठा रहे थे ना वैसे ये भी उठाएगा अब। और देखो यहाँ पर ये पियर कैप का काम चल रहा है, पियर कैप की सेटिंग लगाई जा रही है पियर कैप की। और एक जो पियर है उस पर अभी सरियाओं को जाल बना रहे हैं, फिर इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा। तो ये है नज़ारा देख सकते हो, अभी इधर भी पियर कैप बनाए जाएंगे, इसमें बस मसाला भरा गया, अभी इसका पियर कैप बनाया जा रहा है। और इधर देखो एक लॉन्चर ये रुका हुआ है, जब तक ये पियर नहीं बन जाएगा, पियर कैप का काम नहीं हो जाएगा कंप्लीट, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। सेगमेंट देखो यहाँ से ये ट्रकों में उठा उठा कर ले जाए जाते हैं दोस्तों। और देखो यहाँ से ये लॉन्चर उतारा गया है, देखो ये ट्रक में ये लॉन्चर रखा हुआ है ना, ये उतार लिया जा चुका है। तो मतलब कि बायोडक्ट को तो कनेक्ट हो ही चुका है 90% दोस्तों, अब 10% बचा हुआ है। और ये आ जाता है मोदीपुरम,
हमारा TS का स्टेशन जो कि मेरठ के अंदर आता है दोस्तों, सबसे बड़ा स्टेशन है ये। देखो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दिन रात, और दिन रात ही काम चल रहा है आप सभी को बताऊं दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। अब देखो आप सभी किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखो लॉन्चर उधर भी अंदर भी लगा हुआ है, और इधर बनाया जा रहा है दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट यानी कि राइट हैंड पे, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले आप इधर से देख लो और चलेंगे मोदीपुरम के डिपो तक, आप लोगों को दिखाएंगे कि उधर क्या काम चल रहा है। तो अभी यही काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो इधर ये बीम डाले जा रहे हैं, इधर देखो ये लॉन्चर लगा हुआ है, इसको भी बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, यानी कि ये दोस्तों आई गटर द्वारा इधर लॉन्च कर दिए गए हैं। उस साइड में देखो ये मेन बायोडक्ट है, और उस साइड में जो आई गटर रखे गए हैं वो दोस्तों डिपो के लिए ले जाएगा, ये वो डिपो के लिए बनाए जा रहे हैं। तो डिपो को जाने के लिए चलो दिखाते हैं चढ़ के डिपो में किस तरीके से जाएंगे, कैसे जाएंगे। देखो ये पियर है ना, देखो किस तरीके से यहाँ पर घूमेगी, तो यहाँ से ये घूम जाएगी, कर्व ले लेगी। देखो आप सभी ये पियर बन गया है ना, इस पर पियर कैप का काम किया जाना है, और इधर से ही शायद घूमेगी, इधर से घूमेगी आगे से घूमेगी, देखो एक लॉन्चर ये लगा हुआ है, उधर से ही घूमेगी दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर आकर ये बायोडक्ट ख़त्म हो जाता है, और यहीं से हम हो जाएंगे दोस्तों लेफ्ट, और लेफ्ट चलते हैं तो दिखाते हैं चल के आप सभी को डिपो के, डिपो में भी काम चल रहा था। तो सेगमेंट देखो ये रखे हुए हैं, और यहीं से हम हो जाते हैं लेफ्ट दोस्तों, देखो सेगमेंट देख लो आप लोग, बायोडक्ट यहाँ पर ख़त्म है। इसके पीछे है दोस्तों ये दीवार चमक रही है ना, ये टीन सेट पड़ा हुआ है, इसके पीछे से ये बायोडक्ट आ रहा है दोस्तों डिपो में जाने के लिए। इस साइड से देखो बोरा पियर, और उधर भी बनाया जा रहा है अंदर की साइड में, तो इधर तो सारा पियर कैप का काम हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों ये लॉन्चर को देखो इंस्टॉल किया जा रहा है अभी, फिर इसका बायोडक्ट कनेक्ट किया जाएगा, देख सकते हो ये लॉन्चर का ही है, तो यहाँ पर इसको लॉन्च करने का काम चल रहा है दोस्तों, इंस्टॉल किया जा रहा है ये लॉन्चर, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ये बायोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के डिपो साइड का कि क्या है। अब आप सभी को बताऊं दोस्तों कि देखो ये लास्ट पियर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड का, अब लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड पर आ जाएगी, देखो तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो, देखो यहाँ पर ये पियर कैप बनाया जाएगा पियर, यहाँ पर ये पियर बनाया जाएगा, देखो आप तो किस तरीके से काम चल रहा है। देखो ये मिस्त्री लगे हुए हैं यहाँ पे इस जगह, देखो इसको तोड़ने का काम चल रहा है, फिर इसका फाउंडेशन बनाएंगे, और फाउंडेशन बना के फिर इसमें पियर खड़ा कर देंगे दोस्तों, यानी कि ग्राउंड लेवल पे। तो देखो इस तरीके से काम चल रहा है, ये देखो यहाँ पर टीम लगी हुई है NCRTC की, और अंदर ऐसे ही ये बायोडक्ट डिपो के लिए चला जाएगा दोस्तों। तो यही है नज़ारा, अब चलते हैं हम कहाँ पीछे मशीन, देखो वो दो दो, और उधर से ही ऐसे बायोडक्ट घूम जाएगा, इन मकानों के पीछे आ जाएगा डिपो है, यही जा रहा है दोस्तों। देखो पहले ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता था, चौड़ा कर दिया अब इन्होंने, और देखो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल चमक रहा है वहीं से लेफ्ट में जब जाएंगे तो डिपो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखो वो डिपो में काम चल रहा है उस साइड, जब मैं पिछली बार आया था तब मैंने आप सभी को दिखाया था, लेकिन डिपो में कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा बहुत कम ही काम चल रहा है। देखो वो डिपो बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है,
जो हो रहा है, लेकिन जब होगा जल्दी मतलब होने लग जाएगा। अभी चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ही चल रहा है दोस्तों, देखो आप सभी, वो चल रहा है वहाँ पर काम। तो चलते हैं आप सभी को पीछे। अब आप सभी इधर से भी देख सकते हो दोस्तों, काम चल रहा है। देखो किस तरीके से यहाँ पर मोदीपुरम मेरठ का डिपो स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, RRTS का तस्वीर है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और बायोडक्ट को कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों लॉन्चर के द्वारा, देख सकते हो आप लोग। देखो आप सभी कि किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, देख सकते हैं आप सभी। अब आप लोग देखो कैसे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पर देखो पियर कैप बनाए जाने हैं, और पियर कैप बनने के बाद में इस तरीके से देखो ये बीम डाला जाएगा। देखो ये सरियों को जाल बना दिया, ये बीम डालने का काम चल रहा है। देखो इस तरीके से कौन-कौन लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल पर काम चल रहा है दोस्तों। और इधर बनाया जा रहा है दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट। देखो इधर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बन रहा है, देखो आप सभी, देखो ये चल रहा है दोस्तों मोदीपुरम RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है। आप लोग देखो कुछ ऐसे काम चल रहा है यहाँ पर। देखो दो दो लॉन्चर वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से लेवल बन चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल अब बनाया जा रहा है। देखो सारे में यही काम चल रहा है, और इस साइड में देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है जिस पर कि टीम काम कर रही है, और काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग भी है। ये देखो ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों। देखो फाउंडेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, पिलर को ऊपर अब बढ़ाया जा रहा है। देखो टीम ये लगी हुई है, देख सकते हो कुछ ये नज़ारा है, पूरी पार्किंग है अंदर तक दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग रहेगी। तो यही काम है, और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के आप सभी को। और साथ साथ जैसे आपका आपने बताया कि बैठने का काम चाहता है, तो चलते हैं दोस्तों दिखाते हैं आप सभी को आगे चल के। तो आगे भी आप लोग देख लो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि आप सभी को दोनों साइड का दिखा देता हूँ, आने का भी जाने का भी। देखो ये पियर बनाए जा रहे हैं अभी, तभी टाइम लगेगा। देखो गाटर लॉन्चिंग सब सारे में हो चुके हैं, और की भी जा रही है, और बायोडक्ट को भी कनेक्ट किया जा रहा है लॉन्चर की सहायता से। तो काफ़ी दिनों में आप सभी को लेट लेट ये अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अच्छे कैमरे की आप सभी डिमांड करते हो दोस्तों। इस चक्कर में मैं भी थोड़ा सा अपडेट देने में ढीला पड़ जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि पहले अच्छा कैमरा ले लूँ, फिर आप सभी को रेगुलर अपडेट देने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। अभी NCR में जहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, चाहे वो रोड बनाए जा रहे हो, हाईवे बनाए जा रहे हो, मेट्रो बनाई जा रही हो, जो भी है, लेकिन कोशिश मेरी यही है पूरी पूरी कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मैं अपने चैनल पर लाकर और आप सभी को दिखा सकूं दोस्तों। तो बस अच्छे कैमरे की मेरी कोशिश है, मैं लगा पड़ा हूँ, और अच्छा कैमरा एक बार आ जाए हाथ में तो फिर तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, और फिर आप लोगों के बीच में अपडेट भी रेगुलर देखने के लिए मिलेंगे चैनल पर। चलते हैं दिखा। भाई साहब देख लो, कैमरा भी भाई साहब हैंग हो जाता है फ़ोन, इतनी भाई साहब गर्मी पड़ रही है अभी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, 10:30 पौने 11 का, और तब इतना हाईफाई हो रहा है, गर्म बंद हो जाता है, वर्क ही नहीं करता है, बताओ क्या करें। ये बायोडक्ट है दोस्तों, देखो एक लॉन्चर बोल लगा हुआ है, ये बिल्कुल अंदर चला जाए।